साल 2020 कई बुरी और निराशाजनक खबरों से भरा रहा है। इस साल हमने कई हस्तियों को खो दिया और कई लोगों को अपने सपनों को अलविदा कहना पड़ा। जब 2020 को अलविदा कहते हुए लोग 2021 का स्वागत कर रहे थे तो हमें अपने साथ और आसपास सब कुछ ठीक और सामान्य होने की उम्मीद थी। हालांकि केवल एक महीने में कुछ मौतों के साथ 2021 की तुलना 2020 से शुरू हो गई। हाल ही में कोरियोग्राफर गीता कपूर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और सभी को सूचित किया कि उनकी माँ का निधन भी जनवरी में हो चुका है। गीता की मां ने 12 जनवरी 2021 को अंतिम सांस ली और आज एक महीने बाद गीता ने दुखद समाचार साझा किया है। गीता ने एक भावनात्मक पोस्ट लिखा और अपनी मां की एक प्यारी सी तस्वीर भी शेयर की। गीता ने बताया कि उन्होंने महामारी की परिस्थिति के कारण ये बात निजी स्तर पर रखी और बहस शांत बनी रही। गीता ने नोट की शुरुआत करते हुए लिखा, और यूं ही पहले ही एक महीना बीत चुका है। जो लोग उनको जानते थे, उनको प्यार करते थे, उन्हें पता होगा कि पिछले कुछ सालों में वह एक कठिन यात्रा पर थी, लेकिन आखिरकार उन्हें शांति मिल गई। वह आगे अपनी सबसे अच्छी यात्रा पर हैं और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि उन्हें हमेशा अपनी प्रार्थना में रखें, जैसे उन्होंने हमेशा उन सभी लोगों के लिए किया जो उनके संपर्क में आए थे। गीता अपनी मां के बहुत करीब थी। एक बार भारत के सर्वश्रेष्ठ नर्तक पर टेरेंस लुइस ने कहा कि गीता अपनी मां की बहुत अच्छी देखभाल करती हैं और उनकी मां को उन पर गर्व है। दोस्तों, अगर आपको गीता कपूर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।